हाय गाइस, यार सीईटी का नया ड्रामा चालू हो गया अभी लेके उनको। सीईटी सेल हैव पुट अ रिवाइज्ड शेड्यूल फॉर द साइनिंग अप फॉर गिविंग अप द ऑनबोर्डिंग ऑफ द एजेंसी फॉर कंडक्टिंग द सीईटी एग्जाम। सो व्हाट इज हैपनिंग इफ यू नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग। सो सीईटी कंडक्ट करने के लिए ऑल द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, टेकिंग अप द फॉर्म्स, दिस एंड दैट, देन कैप राउंड, उसके लिए देयर इज अ एजेंसी रिक्वायर्ड। सो वो एजेंसी के लिए दिस वॉज अ शेड्यूल अर्लियर पोस्टेड दैट अप्रैल 8 वॉज द एंड ऑफ द टाइम डेट वेन यू कैन सबमिट योर अप्रूवल। सो द टिपिकल ये तुम्हारा एनटीए अप्लाई करेगा, ऑल द एजेंसीज कैन अप्लाई देयर फाइन टू कंडक्ट द एग्जाम एंड फॉर द वेरियस एक्टिविटीज अलॉन्ग विद दैट। एंड 16 अप्रैल को खुलने वाला था उसका प्रेजेंटेशन बाय द बिडर। अभी उसमें मेरे को ना टिपिकल इंजीनियरिंग वाला ये क्वालिटी ईयर का लग रहा है। फर्स्ट एक्सटेंशन, इफ यू कांट सबमिट बाय 8 नो प्रॉब्लम, आप 12 तक सबमिट कर दो। अभी कोविड है ना, बिकॉज ऑफ द कोविड आप 12 को नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम, आप 26 तक कर दो। नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम, आप 3 मई तक भी कर दो, बस करो, तुम बस आराम से करो, कोई जल्दी नहीं हमें। यार तुम प्रपोजल सबमिट करने के लिए तुम 1 महीने का डिले कर दोगे तो भाई आगे का प्रोसेस क्या कब होगा। सो वी कैन सी अ डिले ऑफ 16 अप्रैल की जगह 14 मई आ गया। सो वी कैन सी अ 1 मंथ का डिले हेयर इन द फाइनल प्रोसेस। या बिड ओपनिंग डेट, फिर टेक्निकल बिड की डेट, डिले करते करते इतना डिले। तो अभी फाइनली उनका प्रेजेंटेशन सब डिले होगा। बट जहां तक मेरे को लगता है यार, वॉट एवर माई गट फील सेज, सी फर्स्ट ऑफ ऑल दिस थिंग हैपन एवरी ईयर डिड डू दैट ऑनबोर्डिंग। ये गवर्नमेंट का रूल है, यू हैव टू सबमिट 3 कंपनीज, एटलीस्ट हैव टू अप्लाई, देन दे विल चूज द बेस्ट कंपनी। आप माई पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम स्टिल बी एश्योर्ड ऑफ कि IBPS ही अपना एग्जाम कंडक्ट करेगा, बाकी जिसको करना करता रहेगा, इंजीनियरिंग CET, मेडिकल CET, ये CET, वो CET, अपना MBA CET का एग्जाम विल बी कंडक्टेड बाई IBPS ओनली। हमारा फॉर्म भी वही लेके आता है, सब कुछ वही करता है। यू हैव टू पे द फीस टू IPS, एवरी थिंग इज डन। लास्ट 3 साल से, 4 साल से, 2017, 18, 19, 20, 4 साल से IPS कनेक्ट करा विदाउट एनी फ्लॉ। या 2 दिन के, एक 2 हफ्ते के अंदर रिजल्ट भी आता है, एवरी थिंग इज गोइंग ऑन ऑन टाइम। सो अपना एग्जाम IBPS ही कनेक्ट करेगा, ठीक है। सी, एज अ इंडियन स्टूडेंट आई कैन नॉट स्टडी टिल द टाइम डेट नहीं आएगा, एंड दिस इज द बिगेस्ट डीमोटिवेशन इन एवरीबडीज माइंड कि यार डेट नहीं आया मैं पढ़ूँ कैसे। सो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड यार, हम कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में, ठीक है। सी वी हैव टू प्ले यार, अभी कुछ क्या कर सकते हैं यार, अभी कोविड के टाइम पे, एक तो कोविड, ऊपर से महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केसेज हो रहे हैं, ऊपर से हमारा गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और अपना आराम से धीरे धीरे करेंगे, तो कुछ कर नहीं सकते यार। सो आई वॉन्ट यू टू एज्यूम अ डेट 2 मंथ के बाद, आप जून 15 का डेट एज्यूम कर लो। लेट्स एज्यूम जून 15 को हमारा एग्जाम है। या प्लेइंग सेकेंड, क्रिकेट में ना प्लेइंग सेकेंड का एडवांटेज है कि तुम पता है कि टारगेट कितना है, तुम्हें 200 मारना है, 250 मारना है, कितना मारना है, यू हैव द टारगेट इन प्लेस। अपना प्रॉब्लम क्या है कि हमें टारगेट नहीं पता। सो लेट्स एज्यूम अ डेट 15th ऑफ जून, एग्जैक्टली 2 मंथ फ्रॉम टूडे हमारा एग्जाम होने वाला है। ये डेट में अभी लेके चल रहा हूँ। सीमेट की तरह बिल्कुल नहीं होगा दैट दे विल कंडक्ट द एग्जाम इन 1 वीक का टाइम, बिकॉज पहले उनको सीटी के फॉर्म भरवाने हैं सबसे, देन उसके बाद सेंट्रल लोकेशन होगा, एडमिट कार्ड इशू होगा, उसके 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद एग्जाम होगा। सो आई कैन सी अ फोर्स या मिनिमम 45 डेज का टाइम बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ डेट एंड द कनेक्टिंग ऑफ एग्जाम, मिनिमम 45 to 60 डेज। यार उन्होंने एजेंसी फाइनल करने में 1 मंथ लगा दिया, 8 अप्रैल का 16 मई हो गया, तो उनका, या एक और चीज देखो यहाँ पे, 8 अप्रैल to 16 अप्रैल, 1 वीक में ये पूरा प्रोसेस खत्म कर देंगे। बट तुम स्टार्ट तो करो प्रोसेस, एक्सटेंशन 1 एक्सटेंशन 2, तो भी कुछ कर नहीं सकते, वे टू जस्ट वेट एंड वॉच फॉर दैट। बट आप अपनी तैयारी चालू रखो, हफ्ते में 1 मॉक 1 मॉक एवरी वीक, या बस 1 मॉक एवरी वीक। और जो भी तुम्हारे मॉक में तुम्हें एरियाज नहीं समझ आए या तुमने अभी तक नहीं किया है, आप उसको इम्प्रूव करते जाओ, बस। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यू कैन फॉलो माय वीकली टारगेट, ठीक है। ये मेरा इस हफ्ते का टारगेट है। सो दिस मंडे वी लॉन्च द बैच, इन केस यू जॉइन दैट्स ग्रेट, अदरवाइज यू कैन जस्ट फॉलो द टाइम टेबल। मैं आपको हर हफ्ते रोज का, मंडे ये लेक्चर है, ट्यूजडेज
वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, रोज एक एक टॉपिक हम खत्म कर रहे हैं। अब हफ्ते के हफ्ते टॉपिक खत्म करते जाओ, तुम्हारा पूरा सिलेबस खत्म होते जाएगा। सो आई हैव टू सिंपल टारगेट फॉर यू। नंबर वन, वीकली मॉक, हफ्ते में एक मॉक, सैटरडे संडे जो भी दिन एक पसंद आए एक मॉक देते जाओ, एंड डेली एक टॉपिक खत्म करते जाओ। फॉर एग्जाम्पल लुक एट हियर, सेंटेंस सिंथेसिस, आई कैन बेट ऑन दैट आधी जनता ने सेंटेंस सिंथेसिस कभी नहीं किया होगा, आधी जनता ने, ठीक है? आधी जनता तो पता नहीं होगा कि होता क्या टॉपिक। एक बार गूगल करो, यू विल फाइंड माई वीडियो ऑन सेंटेंस सिंथेसिस, और एक बार टॉपिक कर लो आज, तुम्हारा एक दिन का काम हो गया। या तो इन दिस सैड टाइम, इन दिस अनसर्टेन टाइम, हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है, जस्ट टू वेट एंड वॉच। एग्जाम कैंसिल नहीं होगा, वो मैं आपको आई कैन बेट ऑन दैट। एग्जाम कैंसिल क्यों नहीं होगा? बिकॉज यार लास्ट ईयर इन द पीक ऑफ कोविड टाइम, तब जब हमें किसी को कुछ पता नहीं था कि कैसे होगा क्या होगा, तब भी तुम्हारा रिजल्ट आया, एडमिशन हुआ, सब कुछ किया। इस बार तो गवर्नमेंट इज बेटर प्रिपेयर्ड, गवर्नमेंट शुड बी बेटर प्रिपेयर्ड, है नहीं, अलग बात है। तो एग्जाम तो होगा भैया, कब होगा वो नहीं पता, लेकिन एग्जाम तो पक्का होगा, दैट आई कैन बेट ऑन, करेक्ट? तो ज्यादा नेगेटिव एनर्जी को बीच में मत लाओ, स्टे पॉजिटिव, दैट्स ऑल वी कैन डू। ये कोविड की न्यूज, सब चीजें थोड़ा दूर हो जाए, दैट्स माय एडवाइस टू एवरीवन। ऑल द बेस्ट।